नमस्कार साथियों, देखिए VPO जो कि UP SSC 2022 पेट की ये पहली भर्ती है ग्राम पंचायत अधिकारी। ठीक है, पद 1468 हैं, नोटिस संख्या देख ही रहे हैं। इसका आवेदन अंतिम तिथि, संशोधन तिथि, योग्यता पेट कटाप, इन सब पर हम थोड़ा सा टिप्पणी करते हैं। पहली बात आपको बता दें कि ये जो पद निकाले गए हैं अस्थाई पद हैं, इसलिए आप बिल्कुल आवेदन करें, लेकिन कुछ इसमें बातें निकल कर आ रही हैं, उसको देखिए। एप्लीकेशन जो है वो 23/5/2023 से जो है फिलअप करना प्रारंभ कर सकते हैं, जिसकी रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 12 जून 2023 होगी, और वही फी डिपॉजिट का भी है। और कोई फार्म में त्रुटि रह जाती है तो करेक्शन के लिए 19 जून। ठीक, ये सारी बातें हैं। और जनरल OBC WS SC ST PH सभी के लिए जो है आयोग ने 25 रुपये का शुल्क रखा है। मिनिमम एज 18, मैक्सिमम जो है 40 ईयर है। उसके अलावा एज रिलैक्सेशन जो है वो रूल के मुताबिक होगा, जैसे PH हुआ या SC ST सभी में। ठीक, और इसको और समझ लेते हैं। ग्राम पंचायत अधिकारी की टोटल पोस्ट है 1468। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, योग्यता क्या है? योग्यता है UP SSC पेट 2022 स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए, 10+2 मीन्स इंटरमीडिएट आप एग्ज़ाम किसी भी बोर्ड से पास हो, ये होना चाहिए। और इसके साथ साथ CCC, ठीक, ये भी होना चाहिए। और ये पहली बार UP SSC ने CCC को अनिवार्य किया है ग्राम पंचायत अधिकारी की पोस्ट में। तो बहरहाल जिनके पास CCC हो वो जो है आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि आवेदन जहां से प्रारंभ हो रहा है मीन्स 23 मई से, तो उसके पहले आपकी सर्टिफिकेट होनी चाहिए। दूसरी चीज, सबसे बड़ी पेच, आयोग हमेशा कुछ न कुछ करता है। अब चाहे आयोग का मुद्दा हो, चाहे सरकार का मुद्दा हो, चाहे जिसका भी हो, कि भर्ती को किसी न किसी प्रकार से कोर्ट का खेल खिलाया जाए। यह भी भर्ती कोर्ट के हवाले जानी तय है। क्यों? क्योंकि देखिए, पद 1468 हैं, जिसमें रिजर्व जो है 849, EWS का 117, OBC 139, SC जो है 356, ST 7। इस ढंग से तो अदब, मान लीजिए महिला और PH इनका सबका तो कैटेगरी वाइज हो जाएगा उनका जो आरक्षण होता है, लेकिन पेच कहाँ फंसा? पेच फंसा OBC में। माननीय अखिलेश यादव जी भी OBC को लेकर टिप्पणी कर चुके हैं, और यह भर्ती जो है विवाद के घेरे में पूर्णतया आ चुकी है। अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल जी ने ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती पर जो है सवाल उठाया है, और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से सवाल किया है कि OBC की ये जो सीटें हैं
ये कैसे निर्धारित की गई है। यदि त्रुटि है तो उसे संशोधित करके संशोधित सूची की मांग की है। ठीक है, ऐसा देख सकते हैं कि अनुप्रिया ने ग्राम पंचायत अधिकारी भर्ती के आरक्षण पर उठाए सवाल और सीएम को पत्र लिखकर ओबीसी आरक्षित पदों की संशोधित सूची जारी करने की मांग की। ये आज की हेडलाइन है। तो यह मुद्दा तेजी से चल रहा है और निश्चित ही है कि यह भर्ती पर असर डालेगा और इसे कोर्ट कोर्ट खेलना है। फिलहाल फार्म फिलअप करने के लिए जो है आप 23/5/2023 में कल से जो है आप फार्म भर दीजिए। ठीक है, हालांकि यूपी ट्रिपल एससी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जी ने कुछ स्पष्टीकरण दिया है और संभवतः ये बात की जा रही है कि इसमें पुनः जो है संशोधित करके जो पद का ब्यौरा दिया गया है माने कैटेगरी वाइज वो संशोधित करके सामने आएगा। तो इसलिए भर्ती थोड़ी सी पेच में फंसती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अब प्रश्न यह है कि भाई आयोग जानबूझकर ऐसा क्यों करता है कि पेच फंसे ही। पेच अगर फंसाना ही है तो क्यों आप भर्ती, तो हालांकि चुनावी मुद्दे होते हैं उसमें भी कुछ गिनाना होता है कि इतना पद निकाला, वैकेंसी आप देख ही रहे हैं, लेखपाल भर्ती 2021 से चल रही है, पेट हुआ 2021 में, उसकी परीक्षा हुई, रिजल्ट आया और सब करते करते 23 भी बीतने को है, कह दीजिए। तो ये आयोग का खेल है, इसलिए आप निश्चिंत रहें और भी जगह हाथ पैर मारते रहें, ये भी कहते हैं हम। हालांकि जो मैंने आवेदन के बारे में आपको बता दिया कि आवेदन प्रारंभ कब से हो रहा है, अंतिम तिथि बताया, संशोधन तिथि, योग्यता भी आपको बता दिए, अब पेट कटाप क्या हो सकती है। तो पेट कटाप आयोग के अनुसार 15 गुना, तो 15 गुना का खेल तो आप जान ही रहे हैं। बहुत ज़्यादा ज़्यादा अब कितना होगा इसके लिए भी थोड़ा सा सभी को जागना होगा कि परीक्षा 22 लाख कराते हो, मौका जो है 2 लाख 4 लाख को देते हो। इसके अलावा EWS सर्टिफिकेट की बात कर ले तो आवेदन प्रारंभ से पहले का EWS होना चाहिए, SC ST OBC में भी वही होना चाहिए। पैटर्न में क्या कोई बदलाव हुआ तो पैटर्न में कोई बदलाव बहुत ज़्यादा नहीं, अगर सम्मिलित करेंगे तो चूंकि CCC मस्ट की है तो CCC वाला जो है कंप्यूटर से रिलेटेड 10-5 क्वेश्चन GS में डाल सकते हैं। और यह परीक्षा चूंकि इसमें इंटरव्यू समाप्त है, ठीक, तो इसलिए इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, 50-50-50 की हो सकती है। तो ग्राम पंचायत अधिकारी का जो ये पद है वो अस्थाई पद है। ठीक, और एक टिप्पणी कर ले कि लेखपाल जो DB के लिए बात चल रही है, लेखपाल की DB ये मान के चलिए कि 20 जून के पहले तो नहीं होगी, क्योंकि अभी बीच में कोई DB लगी हुई है, किसी कोई टेक्नीशियन पद का है, थोड़ा सा संज्ञान में आया है, उसके बाद परीक्षा, उसी के बाद 20 जून के पहले नहीं होगी।
आप अपने कागजात तैयार रखिए, ठीक। और अब ओबीसी की संशोधित सूची की जो मांग की जा रही है, इसके बारे में भी बहुत सतर्क वितर्क पेपर में दिया गया है, आप इस कटिंग को पढ़ सकते हैं या आज का पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी। कि जैसे कुछ हवाला ये भी दिया जाता है कि अब जैसे जो ओबीसी पिछली परीक्षाओं में, पिछली भर्तियों में यूआर कैटेगरी में फाइट करके हो गए हैं, तो उनको वो तो यूआर में ही रहेंगे, लेकिन उनको जब काउंटिंग की जाती है तो काउंटिंग के अनुसार उनको ओबीसी में काउंट किया जा रहा है। इस हिसाब से ओबीसी की संख्या जो है ज़्यादा आगे आ रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि इसका एक बार आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार जी ने कहा है कि इसका एक संशोधित जो है रूप सामने आएगा और जो आप ये पद देख रहे हैं इन पदों में परिवर्तन होने के चांसेज हैं। माने यूआर के 849 हैं, ईडब्ल्यूएस के ओबीसी के, तो इसकी पूरी संभावना है, ठीक है। तो बस आज की यही न्यूज़ थी, यही देनी थी। और ये UBSSC का खेल चलता रहेगा, यह आयोग कभी भी कोई चीज़ क्लियर करके चल ही नहीं पाता। जैसे इसका मूल उद्देश्य होता है कि किसी न किसी प्रकार भर्ती को उलझा दो, घसीटो 2-3 साल, तो ये इसका उद्देश्य है। फिलहाल आयोग है, हम लोग क्या कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में पुनः मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए भाई। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।